शरीर पार्ट टू के अंतर्गत मल यह टॉपिक देख रहे थे। उसमें हमने सर्वप्रथम अन्नमल, पुरुष और मूत्र ये देख लिया, और उसके उपरांत हम धातु मलों को देख रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने रस धातु के मल के अंतर्गत लसिका तथा रक्त मल, पित्त और मांस मल, खमल इसका वर्णन देखा था। रस लसिका के अंतर्गत हमने उसके कार्य देख लिए थे। रक्तमल पित्त में हमने उसका कार्य क्या होता है, रक्तमल पित्त क्या होता है, और जो प्राकृत पित्त होता है उसमें क्या अंतर होता है ये हमने देखा था। रक्तमल पित्त अगर यकृत में जमा होता है तो उसके वजह से क्या परिणाम होता है, क्या विकृति उत्पन्न होती है यह देखा था। मांसमल खमल में हमने देखा था कि उसका स्वरूप कैसा होता है, उसका कार्य किस प्रकार से होता है। खमल को मांसमल क्यों कहा जाता है यह देखा था। खमल की वृद्धि के परिणाम क्या होते हैं, और अगर आधुनिक वैद्य शास्त्र के अनुसार अगर हम खमल समझने की कोशिश करते हैं तो वो क्या होता है यह हमने देखा था। इसके उपरांत हम उसके बात का धातु यानी मेद धातु के मल के बारे में देखते हैं। तो मेद धातु का जो मल होता है वह श्वेत होता है। सर्वप्रथम बात बता दो, जो सबसे प्रमुख त्रिमल कहे जाते हैं उसके अंतर्गत श्वेत की गिनती आती है। पुरुष, मूत्र व श्वेत ये प्रमुख तीन मल होते हैं। तो यह जो मल है इसका वर्णन भी संहिताओं में विस्तृत रूप से किया गया है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी इस पॉइंट को एग्जाम में बार बार पूछे जाता है। तो हम इसे अभी देखते हैं। श्वेत यह शरीर घटक शरीर के बाहर विसर्जित होने के कारण इसे श्वेत मल कहते हैं। तो मल ये संज्ञा इसीलिए इसको प्राप्त हुई है क्योंकि ये शरीर से बाहर विसर्जित होता है। ओके, श्वेत यह मेद धातु का मल तथा पित्त दोष का विशेष स्थान होता है। ये श्वेत जो होता है यह मेद धातु का मल तो है ही, उसके साथ साथ ही वो पित्त दोष के भी विशेष स्थान में आता है, क्योंकि पित्त के साथ श्वेत इस मल का आश्रय आश्रय संबंध होता है। तो शरीर के पित्त का श्वेत के ऊपर और श्वेत का पित्त के ऊपर ये परिणाम होता है। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं निवृत्ति। निवृत्ति में कहा है स्विद्यते अनेन इति स्विद स्वेद, इसका अर्थ ये बतलाया गया है कि पकाना या भाप होना, ऐसा स्वेद शब्द का अर्थ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलंकारिक बताने की कोशिश की गई है कि जिस प्रकार से अगर रोटी सेकी जाती है तो उसके बाद उसकी भाप निकलती है, उसी प्रकार से अगर शरीर में उष्मा ज्यादा उत्पन्न होती है तो वो उष्मा हमारे शरीर में श्वेत के द्वारा शरीर के बाहर निकाली जाती है और उसको ठंडा कर दिया जाता है। जैसे रोटी से भाप निकलती है वो शांत हो जाती है, उसी प्रकार से शरीर से स्वेद निकलता है और उस लिक्विड के ऊपर बाहर की एक्सटर्नल एयर का आवागमन होने की वजह से हमें ठंडा फील होता है। तो उससे कोरिलेट करने की कोशिश यहाँ पे की गई है। उसके उपरांत चरक शारीरिक स्थान में इसको विस्तृत रूप से बतलाया गया है। चरक शरीर स्थान 7/15, चरक शरीर स्थान के 7वें अध्याय का 15वां श्लोक। यच्युष्मान अनुबंधम लोम कुपभ्यो निशपत्य स्वेद शब्दम वापो नोति। इस श्लोक के अंतर्गत कहा गया है कि जो जल गर्मी से अनुबंध यानी गर्मी से प्रभावित होकर लोम कूपों से निकलता है वह स्वेद संज्ञा को प्राप्त करता है। बहुत सटीक व्याख्या यहाँ पे कही गई है कि जो जल गर्मी से अनुबंधित होता है यानी शरीर के अंतर्गत का जो भी जल है
अब उसका जल का जो प्रमाण बताया गया है अंजलि प्रमाण में, वो 10 अंजलि प्रमाण बतलाया गया है उसके अंतर्गत के, 10 अंजलि प्रमाण के अंतर्गत के जो जल का प्रमाण होता है जो गर्मी से प्रभावित होता है विशेषता, वह हमारे लोम कुपोस से, ओके, यानी जो एक्सटर्नल पोर्स होते हैं स्वेट ग्लैंड के, उसके द्वारा उस श्वेत का शरीर से बाहर निकलना होता है और उससे श्वेत यह संज्ञा प्राप्त होती है। अब ये जो श्लोक है इसके बारे में हम और डिटेल में देखेंगे, इसका वर्णन आगे आएगा। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, उसके पर्याय, पर्याय में बताया गया है घर्म, पसीना इत्यादि उसके पर्याय होते हैं। पॉइंट नंबर 3, पंचभौतिक संगठन। तो भानुमती टीका का श्लोक है सुश्रुत सूत्र स्थान 15/8, सुश्रुत सूत्र स्थान की 15वें अध्याय का 8वां श्लोक भानुमती टीका के अंतर्गत का, स्वेदः च आप्यं। इसका अर्थ कि स्वेद में आप महाभूत का आधिक्य होता है, ऑब्वियसली वो लिक्विड होता है इसीलिए उसमें आप महाभूत का आधिक्य होता है, लेकिन स्वेद से उष्णता का वहन होने के कारण स्वेद में तेज महाभूत का भी आधिक्य पाया जाता है। तो जो स्वेद है वो शरीर में ऑस्मोरेगुलेशन का कार्य करती है, तो ऑस्मोरेगुलेशन कार्य करती है इसीलिए वो शरीर की उष्मा के ऊपर नियंत्रित करते हैं, इसीलिए श्वेत के जो होता है उसमें तेज महाभूत भी प्रेजेंट होता है ऐसा कहा गया है। श्वेत की उत्पत्ति बतलाई गई है पॉइंट नंबर 4 में। श्वेत मल की उत्पत्ति मेद धातु की चयापचय क्रिया से होती है। अब वो श्वेत जो है ये मेद धातु का मल ही है, तो इसमें यह बतलाया गया है कि जो उसकी जो चयापचय प्रक्रिया होती है, जो मेटाबॉलिज्म होता है मेद का, उस प्रक्रिया के द्वारा श्वेत की उत्पत्ति होती है। तो इसका मतलब अगर शरीर में मेद की मात्रा अगर बढ़ेगी तो शरीर में श्वेत की मात्रा भी बढ़ेगी, और शरीर में अगर मेद की मात्रा कम होती है तो श्वेत की मात्रा भी शरीर में कम होगी। पॉइंट नंबर 5, स्वेद वह स्रोतस, इसका रेफरेंस है चरक विमान स्थान 5/8, चरक विमान स्थान की 5वें अध्याय का 8वां श्लोक, स्वेद वहा नाम स्रोतसाम मेदो मूलम लोम कुपच्च। इसके दो मूल स्थान होते हैं, एक होता है मेद, दूसरा होता है लोम कु, ओके। अब मेद धातु क्यों कहा गया है, क्योंकि मेद धातु से ही उसकी उत्पत्ति होती है। तो इसका अर्थ ये हुआ शरीर में जो भी मेद का जहां भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको उसका मूल स्थान कहा गया है। अगर आप देखोगे तो शरीर में जहां मेद संचिति ज्यादा होती है उस स्थान से ज्यादा मेद की प्रवृत्ति होती है, ओके। और जो मेद सार व्यक्ति होते हैं उनको पसीना भी ज्यादा आता है, तो इसीलिए इसका पहला मूल स्थान होता है मेद। तो दूसरा कहा है लोम कुपाश्य, इसका मतलब जो लोम कुप होते हैं, जो रोम के कुप होते हैं, कुप का मतलब होता है वेल, जो ये होती है वेल जिसे हम कहते हैं, तो इस प्रकार को से उसे कहते हैं कि लोम कुप या रोम कुप कहा जाता है। तो वहां से तो श्वेत का विसर्जन ही होता है शरीर के बाहर, ओके। तो इसीलिए विसर्जन करने का कार्य उसके द्वारा किया जाता है, इसीलिए लोम कूप को हमने उसका मूल स्थान, स्रोतस का मूल स्थान माना है। नेक्स्ट 6th पॉइंट है कि स्वेद मल व दोष संबंध। अब शरीर के जो दोष है उसके साथ स्वेद का संबंध किस प्रकार से आता है, तो सबसे पहला संबंध बताया गया है व्यान वायु के साथ। स्वेद श्रवण पर व्यान वायु का नियंत्रण होता है,
ऐसा कहा गया है, जब शरीर में उष्णता ज्यादा होती है तब व्यान वायु के कारण त्वचा की ऊपर स्थित रोमकूप से पसीने के साथ उष्णता उष्मा बाहर निकलती है। जब भी शरीर में उष्मा का प्रमाण ज्यादा होता है तब शरीर में व्यान वायु के कारण त्वचा के ऊपर की स्थित जो रोमकूप है उससे पसीना निकलता है और वो उष्णता को कम करने के लिए होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर आप ठंड लग रही है और आप अपने हाथों को घिस रहे हैं तो सिर्फ आपके हाथ गर्म नहीं होते हैं, आपकी टोटल बॉडी गर्म होती है, इसीलिए हम आप करते हैं। ओके, तो ये किस प्रकार से होता है? हमारे शरीर में मॉडर्न के अनुसार देखते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो चलता रहता है, और जब हम हाथों को घिसते हैं तो उसकी वजह से जो उष्मा होती है वो अगेन एंड अगेन घिसते रहने की वजह से वहाँ का जो ब्लड होता है वो वार्म होता है और बॉडी में जैसे जैसे फ्लो होता है वो शरीर को वार्म करते जाता है। ये नॉर्मल टेंडेंसी होती है। तो इसी प्रकार से अगर आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखें तो व्यान वायु का कार्य ही होता है शरीर में रस रक्तोष का संवहन करना। तो इसी वजह से जब भी शरीर में उष्मा ज्यादा हो जाती है तब व्यान वायु के द्वारा पसीने को बाहर निकाला जाता है। शरीर में अगर किसी वजह से ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाए, ओके, यानी डर लग रहा है या फिर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये शरीर के अंतर्गत के रक्त जो होता है उसका संवहन का कार्य व्यान वायु के ऊपर होने की वजह से ये उसका कार्य जैसे ही बढ़ जाएगा उसके बाद भी शरीर को स्वेद आएगा। इसीलिए कहा गया है कि शरीर से जो स्वेद प्रवृत्ति होती है उसके ऊपर व्यान वायु का नियंत्रण होता है। इसके अंतर्गत दूसरा स्थान कहा गया है पित्त दोष। तो पित्त दोष के बारे में अष्टावृद्धि सूत्र स्थान 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा गया है कि नाभिर आमाशय स्वेदो लसिका रुधिर रसा। ओके, अष्टावृद्धि सूत्र स्थान 12:2 में का ये बताया गया है कि जो स्वेद होता है वो पित्त के स्थान के अंतर्गत आता है। ओके, पित्त के स्थान का वह श्लोक है। तो इसके ऊपर से अगर वो उसके स्थान में ही आता है तो उसका नियंत्रण पित्त के द्वारा किया जाएगा। हमने इसके पहले भी देखा है कि जो आश्रय आश्रय संबंध होता है उसमें पित्त और स्वेद बल का आश्रय से संबंध होता है। स्वेद पित्त दोष के उष्णता का नियमन करता है। तो स्वेद जो होता है शरीर में जो उष्मा होती है उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसीलिए अगर शरीर में पित्त दोष बढ़ता है तो शरीर में स्वेद की मात्रा भी उस पित्त को कम करने के लिए बढ़ेगी, और शरीर में अगर पित्त दोष की मात्रा कम हो जाती है तो स्वेद का जो निर्मिति का परसेंटेज होता है वो भी कम हो जाता है क्योंकि उसको पित्त को शांत करने की आवश्यकता वहां पे नहीं होती है। तीसरी चीज यहाँ पे कही गई है कि भ्राजक पित्त। ओके, तो त्वचा भ्राजन में सहकारी है। तो त्वचा के ऊपर जो कांति होती है वो भ्राजक पित्त के द्वारा होती है और वो मेंटेन करने के लिए उसका टेक्सचर मेंटेन करना आवश्यक होता है और वो स्वेद के द्वारा मेंटेन किया जाता है, क्योंकि त्वचा को जो सुकुमारता मिलती है जो कोमलता मिलती है वो स्वेद प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न होती है। इसीलिए भ्राजक पित्त जो होता है वह त्वक भ्राजन में सहकारी करता है और वो इसीलिए वहां पे स्वेद इस प्रकार से इस दोष से संबंधित है। तो व्यान वायु
वायु के अंतर्गत और उसके बाद पित्त के अंतर्गत, सभी पित्त और विशेषतः उसके अंतर्गत के जो भ्राजक पित्त हैं, ये स्वेद से मुख्यतः संबंधित है। उसके बाद प्रकृति के अनुरूप स्वेद की प्रवृत्ति किस प्रकार से होती है, यह पॉइंट हम देखेंगे। स्वेद मल व प्रकृति संबंध, स्वेद मल का प्रकृति के क्या साथ क्या संबंध आता है? तो सबसे पहले आती है वात प्रकृति। वात प्रकृति में वात के शीत व रुक्ष गुण के कारण स्वेद प्रवृत्ति कम होती है। आपको पता है वात के अंतर्गत जो रुक्षता होती है वो ज्यादा होती है, और शीत ये गुण भी हम वात के अंतर्गत देखते हैं। इसके कारण उन व्यक्तियों में स्वेद की प्रवृत्ति कम होती है, और शरीर में रुक्षता है, इसका मतलब उनके शरीर में मेद की मात्रा भी कम है। तो इस कारण वात प्रकृति के व्यक्तियों में स्वेद की प्रवृत्ति की मात्रा जो होती है वो कम होती है। जबकि पित्त प्रकृति में पित्त के उष्ण व द्रव गुण के कारण स्वेद प्रवृत्ति ज्यादा मात्रा में होती है, वह स्वेद दुर्गंधी भी उत्पन्न होती है। ओके, तो पित्त प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों में स्वेद की मात्रा जो होती है वो ज्यादा होती है, और उस वो क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि उनमें उष्ण व द्रव इन गुणों का आधिक्य रहता है, और अगर स्वेद की प्रवृत्ति अगर ज्यादा होती है तो उसकी निर्मिति के कारण वहां पे दुर्गंध भी उत्पन्न होता है। अब स्वेद को दुर्गंध क्यों होता है? ओके, ये पॉइंट यहाँ पे हम क्लियर कर दिए देते हैं। तो हम उसको मॉडर्न के दृष्टिकोण से देखेंगे। मॉडर्न का कहना ये होता है कि जो स्वेट होता है दैट इज ऑर्डरलेस, उसमें किसी भी प्रकार की ऑर्डर नहीं होती है। अगर हम स्वेद का कंपोजिशन देखते हैं तो उसमें वाटर मैक्सिमम होता है, उसके साथ बाकी मिनरल्स होते हैं और यूरिया का परसेंटेज होता है। लेकिन फिर अगर स्वेट ऑर्डरलेस है तो उसको स्मेल क्यों आती है? तो इसलिए कि जब भी स्वेटिंग होती है तो बॉडी के ऊपर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, उस बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है, उसका जो मल्टीप्लीकेशन होता है, वो स्वेट की वजह से फास्ट होता है, और वो फास्ट होने के कारण उन व्यक्तियों में जो ऑर्डर होती है, ओके, बैड स्मेल जो होती है वो स्वेट के कारण निर्मित होती है। ओके, तो इस जहाँ पे स्वेटिंग ज्यादा होती है उसको वॉश कर दिया जाएगा तो उस प्रकार से ऑर्डर नहीं आएगी, लेकिन ये कारण होता है कि स्वेद प्रवृत्ति होने के बाद दुर्गंध उत्पन्न होता है। इसके बाद तीसरी प्रकृति आती है जो होती है कफ प्रकृति। कफ प्रकृति में जो दोष में के में देखेंगे तो शीत गुण का आधिक्य होता है। ओके, और उसके कारण इन व्यक्तियों में भी स्वेद की प्रवृत्ति जो होती है वो कम होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्वेद मल का कार्य, स्वेद किस प्रकार से शरीर में कार्य करता है। तो उसका रेफरेंस है सुश्रुत सूत्र स्थान 15:8। सुश्रुत सूत्र स्थान की 15वें अध्याय का 8वां श्लोक, स्वेद क्लेत त्वक सो कुमार्य कृत। स्वेद शरीर में क्लेद तथा त्वचा को सुकुमार करता है। तो स्वेद जो होता है वो शरीर के अंतर्गत का जो क्लेद होता है, जो मल रूपी जलीय भाग होता है, उसको शरीर से बाहर निकलना आवश्यक होता है। उसको निकालने का कार्य स्वेद के द्वारा किया जाता है। ओके, वो शरीर के बाहर अगर निकल जाएगा तो शरीर की शुद्धि होगी। उसके साथ साथ त्वचा को सुकुमार, यानी सुकुमार का मतलब होता है मृदुत्व प्रदान करने का जो कार्य होता है वो स्वेद का ही होता है। स्वेद की वजह से उसको
त्वचा को मृदुता प्रदान होती है, क्योंकि उसकी वजह से जो त्वचा की ह्यूमिडिटी होती है वो मेंटेन की जाती है। उसके बाद फिर अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11/5, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11वें अध्याय का 5वां श्लोक, जिसमें कहा है कि स्वेदस्त क्लेद विद्रति। आपने ये श्लोक इसके पहले भी हमने देखा था, ये पुरुष और मूत्र में भी आया था और उसके बाद ही स्वेद का भी वहां पे वर्णन किया गया है, जिसका अर्थ ये होता है कि शरीर में कीलापन बनाए रखना। ओके, यानी शरीर की जो ह्यूमिडिटी होती है, वहां का जो मॉइस्चर होता है वो बनाए रखना, यह स्वेद का कार्य होता है। इसी के कारण त्वचा का स्वर जो होता है वो सुकोमल होता है, यानी मृदुता उसकी मेंटेन होती है, इसीलिए उसका जो जो टेक्सचर होता है वो मेंटेन होता है, यानी त्वचा के द्वारा यह स्वेद जो होता है वो ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने का कार्य करती है। एक और यहाँ पे बात आती है केश विद्रुति, त्वचा पर स्थित लोम का धारण करना। अगर शरीर में श्वेत की प्रवृत्ति योग्य तरीके से हो रही है तो वहां पे जो त्वचा होती है उसका भी धारण, वहां पे जो केश होते हैं उसका भी धारण होता है। एक्चुअली अगर श्वेत प्रवृत्ति प्रॉपर वे से होती रही तो वहां की जो केश होती है उसकी ग्रोथ भी प्रॉपर वे से होती है। अगर श्वेत प्रवृत्ति नहीं होती है तो उसकी वजह से बाल जो होते हैं वो झड़ जाते हैं, या फिर उसकी ग्रोथ जो होती है वो प्रॉपर वे से नहीं हो पाती, क्योंकि जो स्किन का टेक्सचर जो होता है रुक्ष हो जाता है स्वेद ना निकलने के कारण, और उसके कारण वो शरीर के ऊपर मेंटेन नहीं हो पाते। जबकि अगर स्वेद प्रवृत्ति होती है तो उसके वजह से शरीर के ऊपर के जो बाल होते हैं वो मेंटेन किए जाते हैं। उसके बाद श्वेत और जल महाभूत, इसके संदर्भ में काफी विस्तृत रूप में चरक के शैली स्थान में वर्णन किया गया है, वो हम समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो रेफरेंस है चरक शैली स्थान के 7वें अध्याय का 15वां श्लोक। ये वेल नोन श्लोक है, ये बहुत बार आया है। इसमें अंजलि प्रमाण जो है उसका वर्णन हमने देखा है, लेकिन अंजलि प्रमाण के साथ साथ जो उदक का प्रमाण होता है उसके बारे में काफी विस्तृत रूप से बतलाया गया है, वो हम अभी देखते हैं। तद्यथा दशु दकस्य अंजलयः शरीरे स्वेद अंजलि प्रमाणेन यदु प्रच्यवमान पुरीशम अनुबंध्याति अति योगेन तथा मूत्रम रुधिर मत्तेश्च शरीर धातुन यत्तु सर्व शरीर चरम बाह्य तग्विभर्ति यत्तु त्वगंतरे व्रणगतम लसिका शब्दम लभते यच्युष्मान अनुबंधम लोमकूपेभ्यो निष्पतत स्वेद शब्द व्यापनोपि तदु दकम दश अंजलि प्रमाणम, ऐसा वर्णन किया गया है। इसका अर्थ ये होता है कि अपनी अंजलि के अनुसार शरीर में दश अंजलि जल का प्रमाण बतलाया गया है, यानी जो शरीर का शरीर में जो प्रमाण बतलाया गया, अंजलि प्रमाण बतलाया गया, उसमें जो जल होता है उसका प्रमाण आपको पता है कि उसका प्रमाण दस अंजलि प्रमाण बतलाया गया है। अब इस वेद में क्यों कहा गया है ये हम देखते हैं। जो जल बाहर निकलते हुए पुरुष के साथ निकल जाता है, ज्यादा मात्रा में वह स्वेद होता है तो वह पुरुष के साथ निकल जाता है। यहाँ पे जो विकृति होती है और लूज मोशन होते हैं उसके बारे में नहीं कहा गया है। यहाँ पे नॉर्मल जो लिक्विड मल के साथ निकल जाता है उसका वर्णन किया गया है। ज्यादा मात्रा में हुआ हुआ स्वेद जो होता है पुरुष के साथ निकल जाता है, या प्रकृति जिसको निकाल देती है शरीर के बाहर, या प्रकृति वह जल का अतियोग होता है। उसके साथ साथ कहाँ कहाँ से शरीर से और जल का संबंध आता है, इसी प्रकार मूत्र रक्त तथा शरीर के अन्य धातुओं के साथ भी वह अपना संबंध स्थिर करता है।
जो मूत्र होता है, रक्त होता है, शरीर के जहां जहां भी लिक्विड कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहां पे जल होता ही, और उसके साथ इसका संबंध होता ही है। शरीर में भ्रमण करने वाले जल धातु को बाहर त्वचा चरक के अनुसार बदला गया है, तो चरक के अनुसार जो बाहरी त्वचा होती है उदगधरा होती है, तो धारण करती है अर्थात अपने द्वारा रोके रखती है। ओके, तो इनका कहना है जो शरीर के अंतर्गत के धातु होते हैं वो लिक्विड होते हैं, तो लिक्विड होते हैं तो शरीर के बाहर चले आएंगे, उसको धारण करने का कार्य, उसको रोकने का कार्य जो करता है वो उदगधरा त्वचा के द्वारा किया जाता है, ऐसा बतलाया गया है। जो त्वचा, जो जल त्वचा के भीतर स्थित व्रण उत्पत्ति हो जाने पर लसिका के संज्ञा को प्राप्त करता है। ओके, शरीर में अगर किसी भी प्रकार का व्रण उत्पन्न होता है तो वहां पे लसिका का सिग्रेशन होता है। ये लसिका भी वाटर ही होता है, उसमें यह भी अम्ब ही होता है। तो जो जल गर्मी से अनुबंध होकर लोम कूप से निकलता है वह अश्वेत होता है, ये संज्ञा तो हम देख चुके हैं। वह जल 10 अंजलि प्रमाण का है, अर्थात उस जल का प्रमाण 10 अंजलि मात्रा होता है। ओके, यहाँ पे इतना जो विस्तृत वर्णन ये बताने के लिए आया है कि शरीर में जितनी भी मात्रा में जल होता है, ओके, वो सभी के सभी जल एक्सेप्ट बाकी जो धातु है जिसका जल प्रमाण बतलाया गया है उसको छोड़कर, उसको कलेक्टिवली उसका प्रमाण जो होता है वो 10 अंजलि होता है, चाहे वो लसिका के रूप में हो या मूत्र के अंतर्गत भी जल आता है और रक्त के अंतर्गत भी जल आता है, लेकिन मूत्र का प्रमाण जो है वो 4 अंजलि बताया गया है, रक्त का जो प्रमाण है वो 8 अंजलि बताया गया है, तो इन धातुओं का जो प्रमाण, रस धातु का प्रमाण 9 अंजलि बताया गया है, इन सभी धातुओं का प्रमाण जो है वो स्थिर होता है। उसके साथ साथ बचा हुआ जो अम्ब होता है, बचा हुआ जो जल होता है, वो सभी के सभी का प्रमाण जो होता है वो 10 अंजलि होता है। श्वेत का विशेष रूप से प्रमाण बतलाया नहीं गया है क्योंकि शरीर से श्वेत की जो निष्क्रमण होता है वो एक्सटर्नल कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है। अगर फेवरेबल कंडीशन होती है तभी श्वेत निकलता है, यानी अगर ऊष्मा ज्यादा मात्रा में होती है, डर ज्यादा लगता है, उसके बाद एक्सरसाइज ज्यादा की जाती है, मेद का प्रमाण ज्यादा होता है तो श्वेत की निर्मित होती है। अगर ये सब नहीं होता है तो श्वेत की निर्मित नहीं होती है। तो इस वजह से एक्सटर्नल कंडीशन के ऊपर डिपेंड होने की वजह से ऑस्मोरेगुलेशन को वो मेंटेन करता है, इस वजह से उसका प्रमाण जो होता है वो नहीं बतलाया गया, लेकिन शरीर के अंतर्गत का जो अंग होता है उसका प्रमाण तो 10 अंजलि है। तो उसी के साथ इसका साधर्म्य दिखाते हुए यही कहा गया है कि श्वेत का जो प्रमाण होता है, अंजलि प्रमाण जो होता है वो भी 10 अंजलि होता है। यह वर्णन बतलाने के लिए इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन हमें चरक शरीर स्थान में प्राप्त होता है। उसके बाद हम देखते हैं इस श्वेत मल का महत्वपूर्ण भाग आखिरी का। ओके, श्वेत की विकृति, तो श्वेत की विकृति 2 प्रकार से होती है, एक तो उसकी वृद्धि होती है नहीं तो उसको क्षय होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे श्वेत की वृद्धि के लक्षण, श्वेत की वृद्धि क्यों होती है, तो उसका रेफरेंस मिलता है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11/14। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 11वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा गया है कि स्वेदो अति स्वेद दुर्गंधम कंडुम एव च लक्षेत, विविध कारणों से बड़ा हुआ स्वेद शरीर भर में दुर्गंधता कंडू को पैदा करता है। ओके, अब स्वेद जो होता है उसको दुर्गंध क्यों आती है ये तो हमने देखा। अब शरीर में ज्यादा मात्रा में अगर स्वेद उत्पत्ति होती है तो उसके वजह से, ज्यादा मात्रा में उत्पत्ति होने की वजह से दुर्गंध तो आएगी,
और वहां पे इचिंग भी हो जाती है, तो ज्यादा मात्रा में पसीना होने की वजह से। ओके, वहां पे बैक्टीरिया की ग्रोथ कही गई है फास्ट होती है, तो उसकी वजह से वहां पे इचिंग भी होती है। तो ये दो लक्षण दुर्गंध तकंडु ये श्वेत की वृद्धि होने पे हमें दिखाई देते हैं। अब ये श्वेत की वृद्धि के कारण क्या है? तो श्वेत की वृद्धि का पहला कारण तो होता है पित्त वृद्धि। इसके पहले भी हम उसका पित्त के साथ संबंध देख चुके हैं। अगर पित्त बढ़ता है तो श्वेत बढ़ता है, अगर पित्त का क्षय होता है तो श्वेत का भी क्षय होता है। सेकंड है मेद वृद्धि। शरीर में अगर मेद की वृद्धि होगी तो मेद बढ़ता है तो श्वेत बढ़ता है, और मेद का क्षय होता है तो श्वेत का क्षय होता है, ये भी हम देख चुके हैं। तीसरा कारण बतलाया गया है कि मनोविकृति। किसी प्रकार की मनोविकृति होती है, जैसे नैराश्य होता है, तो नैराश्य के में टेंशन आता है, मैं क्या करूं ऐसे करूं, इस प्रकार की जो नेगेटिव थिंकिंग, डर का एक माहौल हमारे ब्रेन में बन जाता है, कारणवश तथा अकारणवश। अब उसके तो बहुत सारे कारण हैं। तो मानसिक अस्वस्थता होती है उस व्यक्ति को, डर होता है, तब श्वेत की जो प्रवृत्ति जो होती है वो ज्यादा मात्रा में होती है। उसके बाद फोर्थ रीजन कहा गया है हाइपरथायरॉयडिज्म। आपको पता है जब थायराइड के में हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तो शरीर के जो बीएमआर है, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो बढ़ जाता है, और बेसल मेटाबॉलिक रेट अगर बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म अगर बढ़ेगा, तो उसकी वजह से शरीर में श्वेत की मात्रा भी बढ़ेगी। ओके, तो ये कुछ कारण बतलाए गए हैं जिसकी वजह से श्वेत की वृद्धि होती है। अब श्वेत वृद्धि के बाद हम देखेंगे उसकी सामान्य चिकित्सा, डिटेल में नहीं जाते हैं लेकिन सामान्यतः क्या कर सकते हैं ये हम शॉर्टली देखेंगे। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि शीत व कषाय रसात्मक औषधि। तो आपको पता है कि कषाय रस में पृथ्वी तथा वायु महाभूत का आधिक्य होता है। ओके, तो वो शीतता को प्रदान करने के लिए कारणीभूत होता है, इसीलिए शीत व कषाय रसात्मक औषधियों के चूर्ण त्वचा को अगर हम मलते हैं तो चंदन सरिता, उसके बाद मुस्ता, ये कुछ मेडिसिन्स है, इसके वजह से त्वचा की सामान्य चिकित्साओं में हम इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट कहा गया है कि शरीर की उष्णता कम करने वाले औषधि देना, ऐसे औषधि देना जिसके वजह से शरीर की उष्मा कम होती है। अब पहले हमने एक्सटर्नल एप्लीकेशन बताया, अब इसमें इंटरनल एप्लीकेशन बताया गया है, जैसे चंदनासो, उशिरासो, ये अगर मेडिसिन अगर हम सेवन करते हैं तो उसके वजह से शरीर की जो उष्मा होती है उसको मेंटेन किया जाता है, या फिर बड़ी हो तो उसको कम किया जाता है। इसके उपरांत हम देखेंगे स्वेद क्षय के लक्षण। हमने अभी स्वेद वृद्धि देखी थी, अभी अब हम देखते हैं कि स्वेद क्षय में क्या लक्षण हमें मिलते हैं। तो उसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11/22, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान की 11वें अध्याय का 22वां श्लोक, जिसमें कहा गया है कि स्वेदे रोमश्चुति सद्द रोमता स्फुटनम त्वचा। यानी स्वेद के क्षीण होने पर रोम झड़ने लगते हैं। हमने देखा था कि अगर श्वेत की निर्मिति प्रॉपर वे से होती रहती है तो त्वचा को सूख कोमलता जो होती है वो मेंटेन होती है। जब वो नहीं हो पाती, अगर श्वेत कम मात्रा में निष्क्रमित होने लगता है किसी कारणवश, तो उसके वजह से जो रोम होते हैं, जो बाल होते हैं, उनकी ग्रोथ प्रॉपर वे से नहीं हो पाती है और वो झड़ने लगते हैं, अथवा सुअर के बालों की भांति कड़े हो जाते हैं। और अगर क्रोध भी होती है तो उसमें विकृत प्रकार की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार के सुअर के बाल काफी हार्ड रहते हैं उसी प्रकार की बालों की उत्पत्ति वहां पे होती है, और त्वक भी वहां पे फटने लगती है। ओके, तो हमें ठंड के मौसम में चीजें देखने को मिलती है, जो तो रोम झड़ते हैं, नहीं तो गलत तरीके के बढ़ते हैं, और स्किन
कि सुकोमलता जो होती है वो स्वेच्छा के कारण मेंटेन नहीं होती, क्योंकि बॉडी के अंतर्गत का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए विंटर सीजन में हमारे लोम को बंद कर दिए जाते हैं, उसके वजह से स्वेटिंग नहीं हो पाती है और वहां पे त्वक की सुकोमलता ना मेंटेन होके वहां फटने लगती है। इसीलिए हम विंटर सीजन में मॉइस्चराइजर का यूज करते हैं। मॉइस्चराइजर इसलिए कारण उपयोगी होता है क्योंकि जो मॉइस्चर हमें इंटरनली मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता श्वेत क्षय के कारण, इसीलिए वो मेंटेन करने के लिए, त्वचा की एक्सटर्नल ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए मॉइस्चराइजर हमें अप्लाई करना पड़ता है। श्वेत क्षय के कारण श्वेत का केश विद्रुधि यह कार्य कम मात्रा में होने के कारण त्वचा सूखी होकर यह लक्षण उत्पन्न होता है। यही हमने देखा कि केश विद्रुधि भी उसका कार्य था, वो केश विद्रुधि कार्य श्वेत क्षय के कारण नहीं हो पाता और उसके कारण त्वचा सूखी होकर यह लक्षण हम देखते हैं। वात प्रकृति में रुक्षता के कारण श्वेत क्षय के लक्षण निर्माण होने की संभावना ज्यादा होती है। वात क्षय की व्यक्ति में वैसे भी श्वेत की मात्रा कम होती है और उनकी त्वचा जो होती है वो रुक्ष होती है। उन व्यक्तियों में श्वेत क्षय के लक्षण जल्दी पाए जा सकते। तो इसमें हम क्या चिकित्सा करेंगे, इसके ऊपर एक ही चिकित्सा है, स्नेहन करना। एक्सटर्नल एप्लीकेशन हमें करना पड़ेगा, जैसे मॉइस्चराइजर है, ओके, तेल है, क्योंकि वात के ऊपर जिस प्रकार से वो कार्य करता है उसी प्रकार से त्वचा को स्नेहित करने का कार्य जो होता है वो तेल के द्वारा होता है। और त्वक के लिए सबसे अच्छा तेल होता है तिल तेल, क्योंकि वो उष्मा भी प्रदान करता है और स्नेहन भी करता है। तो उसका स्नेहन करना, एक्सरसाइज अगर करते हैं तो शरीर में उष्मा बढ़ती है और उसके वजह से श्वेत की प्रवृत्ति होती है। तो एक्सरसाइज करना है, तो इसीलिए कहा जाता है कि शीत समय में अगर हमको एक्सरसाइज करती है तो वो शरीर को लगती है, क्योंकि शीत समय में श्वेत की प्रवृत्ति होने के लिए ज्यादा मात्रा में हमें एक्सर्शन करना पड़ता है, तब जाके श्वेत शरीर से निकलता है, ओके। और वो भी शरीर में श्वेत क्षय को नॉर्मल श्वेत निर्मिति के लिए मदद करता है, इसीलिए वो भी एक चिकित्सा है। तो स्नेहन हो गया, एक्सरसाइज हो गई, व्यायाम, जिसका मतलब ये श्वेत क्षय की चिकित्सा के अंतर्गत आते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारा श्वेत यह मल समाप्त होता है। आज हमने श्वेत मल को डिटेल रूप से देखा, जिसमें हमने श्वेत की निवृत्ति अलग अलग आचार्यों के अनुसार देखी, उसके पर्याय देखे, उसका पांचभौतिक संगठन देखा, श्वेत का कि मल की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, उसके स्रोत कौन से होते हैं, दोष किस दोष से वो संबंधित है, प्रकृति अनुरूप श्वेत की वृद्धि क्षय कैसे होती है, उसके कार्य कौन से होते हैं, और श्वेत और जल महाभूत का क्या संबंध है, और उसके बाद उसकी विकृति वृद्धि क्षय और सामान्य चिकित्सा हमने देखी। तो इस प्रकार से मैं धातु का मल श्वेत यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अस्थि धातु का मल नख, ओके, इसके संदर्भ में डिटेल में वर्णन देखेंगे। थैंक यू।